अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लाए हैं आपके लिए कारोबार इन पाकिस्तान, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट का कारोबार आप किस तरह कर सकते हैं कराची में। और मिलवाएंगे आपको बहुत ही फेमस शेफ अतीक साहब से, जो बताएंगे तमाम डिटेल्स, और वीडियो के एंड में इनके स्पेशलिटी रेसिपीज़ और आपको जो है शो कराएंगे कि क्या क्या फेमस खाने जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और बात करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम अतीब भाई। जी वालेकुम सलाम सर। अतीब भाई, सबसे पहले कारोबार इन पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया। हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि कितना एक्सपीरियंस है आपका। सर मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और काफ़ी मेहनत की मैंने यहाँ इस लेवल तक पहुँचने के लिए, और बहुत मुश्किल आई मगर फिर भी हमने हिम्मत रखी और इंशाल्लाह आज एक अच्छे मुकाम पे हैं हम। ये बताएं कि आपने जो है शेफ़ कहाँ से सीखा? जी मैंने शेफ़ कोर्स जो मैंने सीखा था वो सबसे पहले तो मैंने शेफ़ असद से सीखा था, जो बोल चैनल वगैरह पे काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे फेमस जा रहे हैं शेफ़ असद। वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हमारे टीचर्स हैं, अच्छा उन्होंने हमें सिखाया, तो उन्हीं की दुआओं की वजह से आज हम इस लेवल पर हैं। अच्छा तीब भाई, सबसे पहले तो जो है आपने ये रेस्टोरेंट की लोकेशन व्यूअर्स को बताएं कि कहाँ पे आपका ये रेस्टोरेंट है। सर ये हमारा रेस्टोरेंट है जो ये फारूक आज़म मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बहानी शॉपिंग सेंटर है, उसके बिल्कुल नीचे अल रहमान फूड के नाम से है। तो ये बहुत चुन के हमने लोकेशन निकाली थी कि यहाँ पर कोई इस तरह का रेस्टोरेंट था नहीं, इसीलिए हमने बड़े माइंड के साथ यहाँ पे लोकेशन ढूंढी और उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट ओपन किया। अच्छा अदी भाई, ये बताएं कि क्या क्या चीज़ स्पेशलिटी है जो फेमस है आपकी यहाँ पे? सर वैसे तो हमारा सब कुछ फेमस चल रहा है, मगर जो ज़्यादा चल रहा है वो मैकन चीज़ पास्ता है हमारा, फैताचुनी अल्फ्रेडो पास्ता चल रहा है, पैनी अरबियाता पास्ते हमारे बहुत ज़्यादा हिट चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास फास्ट फूड में जिंगर भी टॉप पर चल रहा है, और मलाई टिक्का चल रहा है हमारे पास, बारबेक्यू भी बड़ा फाइन डाइन बनता है, उसके बाद कढ़ाई है हमारे पास, हांडियाँ हैं, चाइनीज़ है, सब कुछ यानी कि अवेलेबल है, और पीआईपी तरीके से बना के देते हैं मतलब। अच्छा अतीब भाई, ये बताएं कि एक रेस्टोरेंट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? जी सर ये तो आप पे डिपेंड करता है, मगर ये है कि कम छोटे से छोटा कारोबार खोलने के लिए आपको कम से कम 3-3.5 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ती है। अतीब भाई ये बताएँ कि SOP के ऊपर क्या अमल हो रहा है इस पर? जी सर जाहिर बात है कोरोना चल रहा है और हमें भी साथ देना चाहिए, हमने यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह रखे हैं, सब वर्कर्स ने मास्क वगैरह पहने हुए हैं, हैंड ग्लव्स यूज़ हो रहे हैं, हेयर नट्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, तो यानी कि आप कह लें कि प्रॉपर तरीके से ओके हैं, काम हो रहा है। अच्छा कि भाई ये बताएं कि एक रेस्टोरेंट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? सर ये तो आप पे डिपेंड करता है, मगर ये है कि एक छोटे से छोटा कारोबार ना जाहिर बात है अगर कोई नहीं इतना मतलब इन्वेस्ट कर सकता, तो छोटा कारोबार से अगर स्टार्ट लेना चाहें तो आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख से भी कर सकते हैं, वही मशीन वगैरह पर खर्चा आएगा आपका, फ्रायर वगैरह होते हैं, साइड टेबल्स वगैरह होती हैं, और छोटी मोटी क्रॉकरी वगैरह होती है, तो अगर आप ये काम अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं, छोटा सा फ्रायर ले लें, उसके अलावा आप उसमें फूड पांडा पे ऑनलाइन पे वर्क कर सकते हैं, मतलब अच्छा रिस्पांस आता है।
अच्छा ये बताएं कि कराची के अंदर ये सारी क्रॉकरी हो गई और ये सारी मशीनरी हो गई, ये कहाँ से आप लें? ये फ्रायर हो गए, ये सर जो फ्रायर वगैरह हैं, जो मतलब काउंटर्स वगैरह हैं जितने भी होते हैं, नाइफ्स वगैरह, विक्स वगैरह, चम्मच, स्पून, फॉक, जो भी है, ये आपको मलेर से मिलेंगे। मलेर में आबिद नाम है उनका, तो उनका अपना कारखाना है, उनके साथ अच्छे तालुकात हैं हमारे, उनका नंबर हम आपको दे भी देंगे, इशू नहीं है इतना। तो माशाल्लाह वो सस्ता भी देते हैं और अच्छी चीज़ देते हैं बना के। अच्छा दीक भाई ये बताएं कि शेफ़ की क्या सैलरी होती है? अगर शेफ़ रखते हैं, ऐसी बात है, आप एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, उसमें शेफ़ रखते हैं, तो शेफ़ की क्या जो है ना एक पे होती है? सर ये तो एक शेफ़ का वर्क देखने से उसको पता लग जाता है कि ये मतलब क्या चीज़ है। तो हर शेफ़ की अपनी एक डिमांड होती है, 70,000 रुपये होती है, 1,00,000 रुपये होती है, हद 3-3 लाख रुपये सैलरियाँ होती हैं। जो ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट में आप चले जाएँगे तो 3 लाख 2.5 लाख इस तरीके से उनकी सैलरीज होती हैं। और जो छोटे मोटे कुक होते हैं उनकी 30-40 हज़ार तक होती है, और वेटर्स वगैरह होते हैं उनकी 15-18 इस तरीके से। मतलब जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट होते हैं उनमें पेज कम होती हैं और काम ज़्यादा होता है। और जो मतलब इस तरह के होते हैं, मतलब कह लो कि ढाबा टाइप के होते हैं, उनमें सैलरी ज़्यादा होती हैं और काम कम होता है। अच्छा ये बताएं अतीक भाई कि एक रेस्टोरेंट के अंदर कितने वर्कर रखे जाते हैं? एक रेस्टोरेंट में सर अगर ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट है तो कम से कम 10-12 बंदे हों और मेहनती हों तो बेटर होता है। वैसे तो अगर काम चोर तो अक्सर ज़्यादा हो भी हों तो काम नहीं कर पाते। और 12 बंदे प्रॉपर, एक क्लीनर हो गया, डिशवाशर हो गया, स्वीपर हो गया, उसके बाद आपका एक कैशियर हो गया, किचन में आपके 3-4 बंदे होते हैं। अगर आप डबल शिफ्ट चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डबल कुक रखने पड़ेंगे। तो ये अच्छा ये बताएं, जैसे कि आपने बताया कि 3-3.5 लाख में जो अगर रेस्टोरेंट बंदा कर रहा है, अपना फास्ट फूड का सेटअप लगा रहा है, तो उसके अंदर कितने बंदे रख लें? क्योंकि आपका सेटअप के अंदर चले हमने मान लिया 5-6 अफराद आपने रख लिए, लेकिन जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं उनका क्या करेंगे? उनका सर यह है कि अगर बहुत ज़्यादा ही छोटा सेटअप है, अगर एक शॉप पर मुश्तमिल है, तो वह आप 2-3 बंदे रख सकते हैं। उसमें एक वेटर हो जाए जो सही मेहनती हो, आपका साथ दे, आप भी उसका साथ दो, एहसास करो। अच्छा तीक भाई ये बताएं कि आपके यहाँ पे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लजीज खाने बना रहे हैं, तो उसका मसाले आप कहाँ से लेते हैं? सर यहाँ के जो हमारे रेस्टोरेंट के मसाले हैं ये तो हम खुद मेक करते हैं, हमारे पास अच्छे कुक्स हैं, मैं भी अंदर मतलब ऐड हो जाता हूँ, तो बहुत हम खुद बनाते हैं। और वैसे अब बेसिकली अगर आप लेना चाहें तो मार्केट्स वगैरह से मिल जाते हैं मसाले, हर मसाला मिल जाता है। और आप कच्चे मसाले ला के खुद मेकिंग करना चाहो तो आप खुद भी उसको मतलब चिकन को मैरिनेट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, जैसे जिंगर में चिकन लगती है और आपकी जो बारबेक्यू वगैरह सब में चिकन का यूज़ होता है, तो चिकन आप कहाँ से परचेज करते हैं? चिकन सर हमारे पास एक बहुत ही हमारे पुराने अजीज़ दोस्त हैं, उनका मतलब ये पोल्ट्री फार्म है, तो उनसे हम लेते हैं, जुनेद नाम है उनका, जुनेद चिकन वाले, तो ये 5-स्टार चुरंगी पे ही होते हैं वो। तो उनका भी अगर आपको नंबर वगैरह चाहिए हो तो मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल चाहिए इंशाल्लाह आपको जो है आबिद साहब जो फ्रायर वाले हैं, जो रिजनेबल प्राइस में आपको जो है सारा काउंटर वगैरह सेल आउट करते हैं, उनका नंबर और चिकन वाले जो हैं जो होलसेल पे बहुत ज़बरदस्त चिकन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनका नंबर स्क्रीन लिस्ट पे जो है इंशाल्लाह चल भी रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका पूरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होगा जो कि बआसानी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा तीक भाई ये बताएं कि इसके अंदर लॉसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो बताएं लॉस क्या क्या है इसके अंदर रेस्टोरेंट फील्ड में? सर लॉस ये है कि अगर आपका काम नहीं चल रहा तो आपका चिकन अगर बच गया है, या आपके कुछ राइस वगैरह बच गए हैं, आपके कुछ सॉसेस वगैरह बच गए हैं, तो ये आप कल यूज़ नहीं कर सकते। अगर कल आप अगले दिन आप यूज़ करेंगे तो आप अपने काम को खुद तबाह कर रहे होंगे, सही है? तो इसलिए आपको वही है, उतनी क्वांटिटी में मंगवाएं जितना आप यूज़ हो सके, जितनी आपके पास सेल आउट हो। अगर आप ज़्यादा मंगवाएंगे तो अगर आपके पास काम ज़्यादा ज़्यादा मंगवाएं तो। अच्छा ये बताएं अतीक भाई कि कोई बंदा ये कारोबार शुरू कर रहा है, ठीक है, तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ से सीख ले वो काम, कि भाई कितना अर्सा वो सीख के काम ये करे? सर इसमें अपने माइंड पे होता है, मगर अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर सीखना चाहे तो वो 1-1.5 साल में इंशाल्लाह प्रॉपर कुक बन जाता है। मगर ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए उसको देखें, एक समंदर है, इसकी जितनी गहराई तक जाओगे हर जगह नए बंदे मिलेंगे, नई रेसिपीज़ होंगी, नए मसाले होंगे, नए लोग होंगे, नया स्टाइल होगा, हर रेस्टोरेंट पे अलग स्टाइल होता है, अलग चीज़ होती है। एक बेसिकली बंदा 1.5-2 साल में प्रॉपर हो जाता है। ठीक, ये बताएं, चलें सब कुछ हो गया, लॉस भी हो गया, बनाना भी हो गया, अब ये बताएं कि कितना प्रॉफिट रेस्टोरेंट के काम में हो जाता है? सर इसमें अगर आप 100% लगा रहे हैं
तो 25% आपको प्रॉफिट है इसमें से। तो इसमें से आप वर्कर की सैलरियाँ भी निकाल लेते हैं, आप अपने बिजली वगैरह के बिल निकाल लेते हैं, उसके अलावा आप अपना चिकन वगैरह जो भी आपका लेन देन होता है वो सब निकाल के आपको 25% बचत ही है इसमें। अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कारोबार इन पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी हमारी रहनुमाई करी, और जो लोग देख रहे हैं कि वो भी जो है इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। आप हमें क्या बना के खिला रहे हैं ये बताएं आप। सर वैसे तो आपको जो कुछ आप बोलोगे वो बना के खिला देंगे, चलें आप, मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
फैमिली यहाँ पर आ गई है। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।